A very good morning, my dear 9th class. Yesterday we talked about what is democracy, and now today's topic is why democracy. So today we discuss about the merits of democracy and demerits of democracy. So let's start. Here is an argument. It is about there teacher and a student. She finished the teaching previous section, what is democracy. This type of conversation will also be in first part, what is democracy. So here is another argument behind democracy, and this is for purpose for you, you all students have to be understand better how to be point to be discussed, what are the merits. Everyone has a expect of view or expect to many things like democracy. So here we talk arguments against and for. So this is argument against democracy and this is arguments for democracy. Let's start. So why democracy? Democracy kyun hona chahiye? Why we need democracy? So this is for democracy, that is merits, okay, and against democracy, that means this is demerits, okay. So here is a question, question 1 and question 2. First question is what are the arguments against democracy and what are the arguments for democracy. In other words, क्वेश्चन इस तरह से भी रेज हो सकता है, अकॉर्डिंग टू यू हाउ डेमोक्रेसी इज मोर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देन अदर्स. तो आप फॉर के लिए लिखेंगे, वो मतलब उसका कई बार डिफरेंट तरीका होता है पूछने का, बट वो पूछना वही चीज़ चाहता है. और वो कई बार आपसे पूछे व्हाई डेमोक्रेसी इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर अ बेटर रन फॉर गवर्नमेंट इन अ कंट्री और अ पर्टिकुलर कंट्री, तो आप वो अगेंस्ट के लिए ही आप वो मेरिट्स और डीमेरिट्स को लिखेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ओके, ये मतलब कन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, मतलब ये कन्वर्सेशन कई बार रहता है रूटीनली, और अगेंस्ट हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, मतलब आप कई बार देखते हैं कि नहीं डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. तो ऐसा क्यों है, जरा आप उन चीज़ों को देखें. फर्स्ट, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. लीडर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं. चेंज होने से मतलब आप ये भी देखते होंगे कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में वो जाते रहते हैं. जब कैंडिडेट को लगता है कि उसको प्रॉफिट इस पार्टी में ज़्यादा है तो मूव कर जाते हैं, और जब कभी इस पार्टी का दोबारा से अच्छा होता है तो इस तरफ के लोग इस तरफ आ जाते हैं. ये जो पार्टी में इस तरह से एक्सचेंज करना या टर्म चेंज करना, ये हमारे लिए बहुत गलत होता है. जैसे आजकल आप टाइम इंडिया में देख रहे होंगे पिछले कुछ 3-4 सालों में, या डेली न्यूज़ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. राजस्थान में भी इस तरह के आप देखते हैं कि वहाँ पे अनस्टेबिलिटी की कोशिश हो रही है. तो ये ना इंस्टेबिलिटी ले आता है, स्टेबल नहीं रहती है ना गवर्नमेंट ना सिस्टम. ओके, सेकेंड पॉइंट, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरलिटी. मोरलिटी समझते हैं आप, मोरलिटी से मतलब कि अच्छाई बुराई, ईमानदारी, अच्छे काम करना, लोगों के लिए वेलफेयर काम करना, इस तरह से उसमें कोई स्कोप नहीं रह जाता है. तो हर किसी को सिर्फ ये लग जाता है कि डेमोक्रेसी में ना तो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन ज़्यादा चलता है, और पावर प्ले, पावर प्ले मतलब किसकी ज़्यादा कितनी पावर है. जैसे रिसेंटली आप देख रहे हैं सचिन पायलट जो हैं राजस्थान में भिड़े हुए, बीजेपी पीछे से अपना कुछ अलग रोल प्ले कर रही है. तो वो इतना इंस्टेबिलिटी क्यों, इंस्टेबिलिटी इतना क्यों, ऐसा क्या है. सचिन पायलट यूथ हैं, उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां मिली इतनी कम उम्र में, तो उनको भी रिवोल्ट नहीं करना चाहिए, विद्रोह नहीं करना चाहिए अपनी पार्टी के अगेंस्ट. इससे इमेज ख़राब होती है, लोगों को फिर नुकसान होता है, लोग फिर वो लीडर से भरोसा करना बंद कर देते हैं. ओके, एंड पावर प्ले, हर कोई अपनी पावर्स को दिखाने की कोशिश करना चाहता है. आप देखना भी चाहते हो तो देखते हो कई बार लीडर्स अपनी बहस के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं. बाय हुक और क्रुक दे हैव टू बी माइटी. थर्ड पॉइंट,
सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड अ डेमोक्रेसी दैट इज़ लीड टू डिले। कई लोगों का ये मानना है कि जब कंसल्टेशन होता है, किसी चीज़ के लिए बातचीत होती है, तो वो कई बार ना डिले हो जाती है। आप किसी भी चीज़ को ले लें, आज वुमेंस विल की बात हो इंडिया में, तो वो पिछले 10-15 सालों से अभी तक पड़ा हुआ है, डिले है। रिसेंटली आप कोई भी, जैसे राम मंदिर का मुद्दा देख लें, बहुत दिनों से पेंडिंग था, ये अब हुआ है, तो उस चीज़ की वजह से कितना लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है, कंट्री में इंस्टेबिलिटी झेलनी पड़ती है, राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, लोगों में टेंशन्स बढ़ता है, तो इस तरह के मुद्दों को हमें सॉल्व जल्दी करना चाहिए। ओके, फोर्थ पॉइंट, इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। जो लीडर्स होते हैं चुने हुए, उन्हें पता ही नहीं होता है कि लोगों के इंटरेस्ट क्या हैं। बेसिक नीड्स, सड़क हो, सड़कें अच्छी हों, नालियाँ अच्छी हों, सीवेज सिस्टम बेटर हो, पानी का पीने अच्छा हो, पीने के लिए पानी अच्छा हो, है ना, एजुकेशन बेटर हो, हेल्थ प्रॉपरली बहुत अच्छा हो, अवेयरनेस फैलाने के प्रोग्राम्स होने चाहिए सोसाइटी में, जिससे कि लोग अपनी कंट्री को बहुत प्यार से और भी आगे ले जाएं, हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन समझे। फार्मर्स की स्थिति के लिए होना चाहिए, गरीबी मिटाने के लिए होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्ट के काम होते हैं, बहुत ही सारे काम हैं। बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, एटीएम्स में जाइए तो पैसा नहीं मिलता है। हर तरह से वो चीज़ जो है पीपल्स का इंटरेस्ट होना चाहिए, और फिर वो ये, अगर वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, तो फिर वो इस तरह से बैड डिसीज़न लेते हैं कई बार। और पॉलिटिकल लीडर सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जनता के भले के लिए काम किया, जबकि जनता का भला उस काम से नहीं होना होता है, वो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पावर को पुश करने की कोशिश करते हैं। यस, फिफ्थ पॉइंट, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। कई बार करप्शन होता है, आप देखते हैं कई बार ईवीएम में गड़बड़ी है। मैं भी आपसे अगर सिंपल बात करना चाहूँ, तो आप भी जानते हैं कि कोई भी मशीन ऐसी नहीं जो हैक नहीं हो सकती है, तो ईवीएम तो बहुत से पॉपुलर डेमोक्रेटिक कंट्री में यूज़ नहीं की जाती है, तो हमें भी नहीं यूज़ करना चाहिए, तो कई बार उस चीज़ पर धांधली होती है। टॉपिक नंबर सिक्स, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो आम आदमी है, ऑर्डिनरी पीपल है, उसको पता ही नहीं होता है कि उसके लिए अच्छा क्या है, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है इतना सब। ये अगर ऊपर की पॉइंट्स की बात करें, तो कोई पावर प्ले अपना दिखा रहा है, कोई पॉलिटिकल गेम दिखा रहा है, कोई इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रहा, तो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो कई बार अपनी चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पाते हैं। सो दीज आर द डिबेट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आप इनमें अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अगर आपको लगता है कुछ छूट गया, आप अपनी तरफ से कुछ अच्छा लिख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, और यहाँ पे बस उन्हीं चीज़ों की बात हुई है। आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ। वही वाली बात है जो मैंने आपसे कही, अगर आप देखते हैं कि कुछ और भी आर्ग्यूमेंट्स हैं जो ऐड हो सकते हैं, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। विच ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट्स अप्लाई मेनली टू डेमोक्रेसी, सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए ही कितने एप्लीकेबल होते हैं, ये भी चीज़ देखी जाती है। विच ऑफ दिस कैन अप्लाई टू मिसयूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे कितने सारे ये होते हैं क्लॉज और ये चीज़ें कि वो गवर्नमेंट के मिसयूज़ के लिए होती हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, तभी तो इतने सारे बड़े बड़े करप्शन और स्कैम होते हैं। आप इनमें से कितने लोगों से एग्री रखते हैं, कितनी चीज़ों से एग्री नहीं करते हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कंक्लूज़न है एक तरह से। कंक्लूज़न में आप देखें कि उसने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। क्लियरली है कि डेमोक्रेसी एक मैजिकल सॉल्यूशन तो नहीं है सारी प्रॉब्लम्स का, ना तो ये गरीबी ख़त्म कर पाया कंट्री में या दुनिया के और जो देश बहुत पावरफुल है वहाँ पे। और डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर दैट, क्या इंश्योर करती है, ये इंश्योर करती है कि पीपल जो है अपने डिसीजंस खुद भी ले सकते हैं, ये चीज़ जरूर इंश्योर करती है। अपने डिसीजन कैसे लें, अगर हम देख रहे हैं पावर प्ले का गेम हो रहा है, कॉम्पिटिशन का हो रहा है, तो लोगों को सबको मिलकर उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। हमें जात पात धर्म से ऊपर उठ के अपनी कंट्री के बारे में सोचना चाहिए, कंट्री की वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड, भाई ये भी सब अच्छी बात है कि लोगों को भी लगता है, और फिर बहुत सारी देशों में चीज़ देखी गई है डेमोक्रेटिक में, कि इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि जो डिसीजन लिए जाए वो अच्छे ही हों। अब जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, अब न्यूज़पेपर में अखबारों में तो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कितना मैजिकल चीज़ है, लेकिन अगर आप ये देखें कि जो प्रेजेंट टाइम में आपका एजुकेशन सिस्टम है, प्रेजेंट टाइम में जो आपको फैसिलिटीज़ स्कूल में मिलनी चाहिए या जो चीज़ें होनी चाहिए, क्या वो प्रॉपर तरीके से मिल रही हैं,
तो ये नया आ जाने से, नया कैसे, क्या ऊपर से आ जाएगा, क्या भगवान जादू कर देंगे क्या? एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स ही तो काम आने वाला, वही टीचर होंगे, वही सारी चीज़ें होंगी। तो टीचर्स को ट्रेन करना, टीचर्स के लिए अच्छी ट्रेनिंग और एजुकेशन्स के लिए भी हम माहौल अगर मजबूत करें तो कोई भी पॉलिसी सफल है, वरना आप कुछ नया नया दिखाते रहेंगे, इससे बहुत अच्छा हो जाएगा, इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं, मुझे, मेरा ओपिनियन है कि वो हर चीज़ उससे अच्छी नहीं हो सकती। आप कुछ भी नया लाएं, उससे पहले अगर आपका सिस्टम नहीं अच्छा है तो कोई चीज़ अच्छे से नहीं चलेगी। जैसे आप एक नया मोबाइल लेके आएँ और आपको वो चलाना नहीं आता है, तो आपके लिए मोबाइल किसी काम का नहीं है। आप तारीफ भले ही बांटते रहिए, मैं एप्पल का मोबाइल लिया, 80,000 का ले आया, इस मोबाइल से मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन एक्चुअल में अगर आप मोबाइल की टेक्निकल चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, आप ट्रेंड नहीं है, सीखा नहीं है, तो वो आपके लिए गुड नहीं होगा। तो वैसे ही अभी NEP के लिए, अभी इसे नहीं कहा जा सकता। ओके कई बार देखा गया है, इट्स ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड टू फ्रीक्वेंट चेंज इन लीडरशिप, लीडरशिप में भी चेंज आता है, पॉलिटिकल लीडर्स को हटा दिया जाता है जो अच्छा वर्क कर रहे होते हैं, उनको, लोगों को भी हटा दिया जाता है जो उनके अकॉर्डिंग काम करें, पार्टी के हिसाब से उनको रखा जाता है। तो ये बहुत सारे सेटबैक्स हैं, बिग डिसीजंस, और वो इफेक्ट डालते हैं गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पे, कई बार चेंज चेंज करना। 2014 में जैसे आपने देखा था, जो स्मृति ईरानी थी, स्मृति ईरानी को HRD मिनिस्ट्री बनाया गया था, यानी कि जो आपका एजुकेशन पूरा डिपार्टमेंट है वो, जबकि वो 12th के बाद के जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आज तक नहीं मिले। लेटर उस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई, तो स्मृति ईरानी को हटा दिया गया, उनको दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं। ओके सो दीज इज़ रियल क्वेश्चन जो हमारे सामने होते हैं, तो फिर हमारे लिए लगता है कि गवर्नमेंट के लिए हमें कैसे चूज़ करना चाहिए, किसके लिए नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो आपका आंसर सेकंड है, आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि उसके अच्छे के लिए हमें हमेशा दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए, इधर भी और इधर भी, यानी कि अगेंस्ट भी फॉर भी। ज़रा देखें तो कहते हैं कि चाइना में ना 1958-61 तक ये बहुत खतरनाक, वर्ल्ड रिकॉर्डेड फेमाइन इन द वर्ल्ड, सबसे खतरनाक सूखा अकाल पड़ा था, अकाल फेमाइन, जिसमें लोगों की मृत्यु हो जाती है भुखमरी से। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन द फेमाइन, कहा जाता है कि 3 करोड़ लोग उस अकाल में मर गए, ड्यूरिंग दोज डेज, उस उन दिनों में। इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना, उस टाइम की अगर बात करें तो इंडिया की सिचुएशन चाइना से बेटर बिल्कुल भी नहीं थी। येट इंडिया डिड नॉट हैव ए फेमाइन ऑफ काइंड ऑफ चाइना एक्ट, लेकिन इंडिया में इस तरह का कोई भी फेमाइन नहीं आया था। रीज़न, इंडिया में आप जानते हैं, इंडिया में उस टाइम डेमोक्रेसी थी, और चाइना में आप जानते हैं, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, और वन पार्टी सिस्टम के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिक्टेटरशिप की तरह ही है एक तरह से अगर बात करें तो, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेटिक रूल्स और लॉ फॉलो नहीं होते हैं। इकोनॉमिक्स थिंक दैट दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन टू कंट्री, और जो इकोनॉमिस्ट लोग थे, जो इकोनॉमी पर नज़र रखते हैं, इकोनॉमी के बारे में जानते हैं, वो उन्होंने इस चीज़ को देखा अच्छे से कि ऐसा क्यों था, तो उन्होंने पाया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो अलग अलग हैं दोनों कंट्री में। डेमोक्रेसी इंडिया में है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है फूड स्कैसिटी के लिए, यानी कि वो जब जिम्मेदार होती है, चाइनीज़ गवर्नमेंट नहीं होती है उस, क्योंकि उस सिस्टम में ये नहीं लिखा होता है कि आपके पास अनाज है या नहीं है, तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तो डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट होती है वो आंसरेबल होती है, आंसरेबल मतलब आपका जवाब देना उस पर बनता है। यस तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, और कई सारे इलेक्शंस होते हैं, बट वहाँ आप फ्रीली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, तो कई सारे लोग मरे इस तरह से, तो ये सारी चीज़ें हैं। जब इस तरह का एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है, तो आप ये देखते हैं कि अगर ये एग्ज़ाम्पल देखने के बाद, वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आपको लगता है बेस्ट फॉर्म है, कैसे डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इज़ रिस्पॉन्डिंग टू नीड ऑफ पीपल, रिस्पॉन्ड करना मतलब आंसर देना। तो इस पूरे का कंक्लूजन यहाँ पे लिखा है, तो उसमें जो जब मेरिट्स में लिखेंगे, तो मेरिट्स में जब पहला पॉइंट आएगा तो वो ये होता है, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल मतलब पारदर्शिता, दिखाई देना, आंसरेबल होना किसी चीज़ के लिए, हिसाब किताब का जो लेखा जोखा रखना।
तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है। ओके, दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, दूसरी रीज़न की हम बात करेंगे यहाँ से, तो आप इस पूरे कंक्लूजन को यहाँ पे देखेंगे इस पूरे में, तो ये सेकंड पॉइंट जब आएगा तो क्या है, डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये जो जितने भी डार्क कोडिंग जो कोटेशंस होते हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान दें, ये कोटेशंस की तरह भी यूज़ होते हैं कई बार, स्मॉल क्वेश्चन आंसर शॉर्ट टाइप, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स और ये इस तरह की चीज़ें यहाँ से आती हैं, तो आप प्लीज़ उस पर ध्यान दें। डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कैसे, मान लीजिए कोई डिसीजन अभी इस टाइम वर्स रहा, ख़राब रहा, तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो गुड रखने के लिए उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग रहती है। लोगों को देखना, लोग देखते हैं कि इस गवर्नमेंट ने अच्छा वर्क नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम उसको दूसरी गवर्नमेंट को चेंज कर देंगे, तो जो गवर्नमेंट में लोग नहीं रहे, अब वो नेक्स्ट टाइम जब कॉम्पीट करेंगे तो वो ये सोच के आएंगे कि हाँ हमें गुड कॉज करना है, तो ताकि हम जो डिसीज़न हमने लिए गलत तक उनको हम सुधार सकें, तो इसलिए आप देखते हैं कि हर 5 साल बाद लोग सरकारों को बदल देते हैं। सो ये एक थर्ड आर्गूमेंट भी है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस कॉन्फ्लिक्ट्स। कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट समझते हैं आप लोग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब किसी चीज़ को लेकर टेंशन्स हो जाना, टेंशन्स हो जाना, लोगों के बीच में आपस में मतलब लड़ाई झगड़े होना, अमंग क्वेरलिंग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, उनको भी मेथड प्रोवाइड करता है कि आप डील कर सकें। जैसे दो लोग के बीच में अगर लड़ाइयाँ हैं, कई कम्युनिटीज़ के बीच कोई गैप हो जाता है, तो आप देखते हैं जुडिशरी है, गवर्नमेंट भी उस अपना रोल प्ले करती है, लोगों को बैठाया जाता है, एक दूसरे की बात सुनी जाती है और डिसीजंस लिए जाते हैं। ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, जो मेन पॉइंट्स हैं आपको सिर्फ वहाँ पर आना चाहिए। डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। यहाँ पर एक वर्ड है डिग्निटी, डिग्निटी मतलब समझते हैं आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी मौजूदगी, आपका स्वाभिमान जो है, आपका होना, ये सब चीज़ें हैं कि नहीं। तो डेमोक्रेसी कहती है कि हर किसी की अपनी डिग्निटी है। कैसे, आप देखते हैं किसी पर इंसान के साथ जब कोई चीज़ गलत होती है तो अपने वोट के राइट से उस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है। हर नेता आपके सामने हाथ जोड़ के वोट मांगता है, प्यार से आते हैं, यानी कि वो आप सबका सम्मान चाहते हैं, देखते हैं, और हम सब मिल के जब अपनी चीज़ों को उनके सामने रखते हैं तो वो हमारी चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं और फाइनली उसी तरह से वर्क भी करते हैं। सो दीज आर द रीजंस, और बस ये एक लास्ट पॉइंट और है फाइनली, इट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। मैंने अभी आपसे कहा था ना, जैसे मान लीजिए कि किसी गवर्नमेंट से अभी कोई, जैसे मान लीजिए BJP है और कांग्रेस है या SP या BSP है, कोई भी तीन पार्टी अलग अलग है, इसने गलत किया तो इसको रिजेक्ट कर दो, इसने गलत किया तो इसको रिजेक्ट कर दो, इसने गलत किया इसको भी रिजेक्ट कर दो, यानी कि हमारे पास चांस होता है कि हम अपनी गलती को सुधार सकें, हमारे पास ऑप्शन बहुत होते हैं कि हम अपनी गलतियों को मिस्टेक से बचा सकें, मतलब सॉरी, हम अपनी गलतियों को दूर कर सकें। तो गवर्नमेंट जो है चेंज होना, या गवर्नमेंट जो मौके देती है, वो डेमोक्रेसी में इस तरह के मौके हमें अच्छे मिलते हैं, आप कभी भी देखिएगा। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये जो मैंने आपको बताया, ये जितने भी बोल्ड लेटर्स में इस तरह की हेडिंग्स हैं, इन पर आप ध्यान दें, प्लीज़ आप इन पर अच्छे से ध्यान दें, यही पॉइंट्स होते हैं जिनमें आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स भी लिख सकते हैं और पॉइंट वाइज कोई अपना आंसर भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ एंड फॉर टुडे, इन द लास्ट पार्ट वी एक्सप्लेन अबाउट ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें कुछ आपके 2 और 3 क्वेश्चंस यहाँ से रेज होंगे, मे बी, आई थिंक 2 और 3 भी नहीं है, आई ओनली देर आर 2 क्वेश्चन आंसर। सो टमोरो वी विल एंड दिस चैप्टर। सो काइंडली रिमाइंड, आई एड चैप्टर 1 हिस्ट्री, ये आपका PD 1 में मैंने इसे ऐड कर दिया है, आप काइंडली इस पर ध्यान दें, रिसेंटली आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा भी है, तो उसमें से आएगा भी, तो आप प्लीज़ उसको रिवीजन करें, टाइम मिलेगा,
क्योंकि आपका 25-26 अगस्त के जो पीरियड टेस्ट हैं, तो तब तक आपके बीच में टाइम मिल जाएगा क्योंकि आपकी डेली क्लास हो रही है, तो हम उसको अगेन एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू क्लास।